वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज जेके रैबिट्स फार्म पर और ये लोकेटेड है मलकारम शमशाबाद रोड पे। आज चलेंगे हम अंदर और सेटअप देखेंगे सारा रैबिट फार्म का। कंप्लीट डिटेल्स के साथ बतलाऊंगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही काम में आने वाली है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देखिए आप, भाई के पास देसी बकरियाँ वगैरह भी है यहाँ पर, और भी बहुत सारा सेटअप है यहाँ पर। बर्ड्स का भी इसके अंदर सेटअप किया गया है। तो अभी जो मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, रैबिट्स फार्म है, यहाँ के जो ओनर हैं इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। खैरियत से भाई? बस अल्लाह का करम है मरो। भाई आपका नाम? मेरा नाम मतीन अहमद है भाई। मतीन भाई आज सारी डिटेल्स आप रैबिट के लिए बतलाने वाले हैं, यानी होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, ब्रीडिंग पर्पस, ये सारी डिटेल्स आप बतलाएंगे। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, वीडियो लास्ट तक देखिए। प्राइसेस भी बहुत ही रिजनेबल रहेंगे, जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी। ये सारा सेटअप है भाई का। मदन भाई, सबसे पहले ये जो सेटअप करे हुए हैं आप, ये ज़मीन से ऊपर है, तो इसकी क्या खास बात है? क्योंकि नीचे जैसे कोई जानवर वगैरह नहीं आना, बल्कि ऊपर के ऊपर भाई। अच्छा। जानवर नहीं आना, फिर जैसे उन लोगों को प्लेस भी रहना पड़ता अंदर जी, उन लोगों को कंफर्टेबल रहता ना। जी। और एक चीज, रैबिट्स के अंदर खरगोशों में चुमटियों का भी ज्यादा प्रॉब्लम होता ना? भी प्रॉब्लम है, ये लोग क्या भागते, ये लोग निकल गए तो फिर मिलते भी नहीं। जी बिल्कुल। तो फिर क्या है, बाहर चले गए तो फिर अपने को मिलते नहीं। अच्छा, जैसे बोलते हैं खरगोश पाले तो जमीन खोद के भी चले जाते, तो होता है ऐसा? होता है ऐसा, पर ये अपने को ये देसी नहीं है ना भाई, अपने को क्या ये हाइब्रिड है, ये तो नहीं करते साल, लेकिन भाग जाते समझो, बाहर भागे तो नहीं मिलते। अच्छा, तो ये सारा सेटअप बना के रखिए। आपके पास केज वगैरह ये सब चीजें अवेलेबल करवाएंगे आप? ये तो अपने उम्र में केज तो नहीं देने के हमको, दूसरे लोगों का है ये जी, अपन से लेके बना हमारे दोस्त साहब के, लेकिन अपन क्या है वो तो अपन ये डिलीवरी बॉक्स वगैरह देंगे। डिलीवरी बॉक्स है आपके पास, यानी मीटिंग हुए पर जो रैबिट्स की डिलीवरी होती है वो बॉक्सेस भी है आपके पास, वो भी बतलाऊंगा मैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस बनी से। और ये देखिए आप, बहुत ही क्यूट एक पेड़ है यहाँ पर। ये कौन सी ब्रीड है मतिन भाई? ये न्यूजीलैंड वाइट है हमारे मोर भाई, न्यूजीलैंड वाइट है ये। सो आपको चार महीने के ऊपर के बच्चे हैं? चार महीने के ऊपर के, एक महीने के नहीं होंगे। लेके गए तो भी आपको अच्छे जिंदा रहते जी, मोर्टिलिटी का आपको प्रॉब्लम नहीं रहता इसके अंदर। और इसके पीछे जो ब्लैक वाले है, ये को अफ्रीकन ब्लैक है मोर भाई, अफ्रीकन ब्लैक है ये। तो ये कैसा पेड़ रहेगा आपके पास? इंशाल्लाह अगर उमर भाई अगर 350 रुपए में एक दे देंगे उमर भाई, 350 रुपए में ईच वन है, ईच वन है, यानी 700 में पेड़ है आपके पास जी। और प्राइसेस में सारी डिटेल्स के साथ में आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, जो फार्मर्स है उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा यहाँ पर। यानी आप जैसे चौक वगैरह से लेते वो हेल्थी नहीं रहते, तकरीबन मर जाते जानवर, उसकी क्या वजह है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पूछेंगे। ब्रीडिंग आपको करना है तो उसके लिए क्या खास चीज़ें हैं? ये कौन सी चीज़ का पता है? ये लूशन है हमारे भाई, ये लूशन, लूशन डालते जी, ये लोग जैसे घास वगैरह डालते अपन खास तौर लूशन का एक बार ला के यहाँ पर खास तौर खेती करके उगा के लोग को डालते अपन। तो यानी हेल्दी रहते, इसकी ग्रेजिंग भी आपके पास ही है? हाँ, पूरा ये रहता। अच्छा। इसमें प्रोटीन विटामिन वगैरह पूरा रहता हमारे भाई, इसमें आपको प्रोटीन विटामिन जो चाहिए खरगोश को मिलेगा इसमें। बराबर। इसमें कलर्स बहुत सारे हैं बनीस के अंदर, और वो ये जंगल का भी है, अगर कोई जंगल के ख्वाहिशमंद है अपन। अच्छा। पकड़े सो है ये इंशाल्लाह, इस अपने बस आया था ये। अच्छा। अपन ले लेके यहाँ पर अपने फार्म में आया था तो। अच्छा, यानी बाहर से आके आके खरगोशों के पास आ गया था। हाँ, जंगली खरगोश फिरते रहते जी, जी। तो एक अपने पास आ गया था अंदर, तो अगर कोई लेना चाह रहे तो ये। क्या प्राइस का है ये? अपने को 3,500 में दे देंगे उमर भाई, कई बोलते हैं मिलता नहीं, रेयर रहता है। अच्छा। ये तो मिलता ही नहीं। और क्या वेट होगा उसका? उसका 1 किलो ही रहता उमर भाई, 1 किलो से ज्यादा नहीं रहता। अच्छा। तो वो साल के ऊपर का है वो। अच्छा। वो क्या और बच्चा जो हाइब्रिड रहते हैं ये वाले कितना वेट गेन कर ले? ये भी बनी है, ये भी बनी है उमर भाई। अच्छा, लेकिन फिर भी दिखने में बड़ा साइज, बड़ा साइज दिख रहा हो। और यहाँ से बड़े स्टार्ट है ये अपने पास अंगूरा है उमर भाई, अंगूरा बोल के है, इसलिए बहुत कॉस्टली रहता। अगर इंटरेस्टेड है अगर ब्रीडिंग पर्पस के लिए, इसकी क्या खास बात रहती है? इसका वूल जी, अंगूरा ब्रीड के अंदर क्या खास बात रहती है? अंगूरा का क्या रहता है उमर भाई, वो तो जैसा कि अपन ये 350 में जा रहे, इसका 1900 आपको 700 रुपए में जाता है एक महीने का बच्चा। अच्छा। और वूल और इसका काम आता है इसका पूरा जो इसका। अच्छा, ये वूल निकलता है? वूल निकलता है इसका, वूल किलो के हिसाब में जाता है, यानी जैसा बकरों का वूल काम में लेते वैसा काम में आता है, काम में लेते इसको जी। तो ये कैसे प्राइसेस रहेंगे? ये एक ही है अपने पास उमर भाई, अगर कोई मेल है ये कोई लेना चाह रहे तो 5,000 रुपए में दे देंगे उसको। अच्छा। रेयर मिलता हमारे पास नहीं है कुछ भी, यानी अडल्ट है? अडल्ट है पूरा, 1 साल का है जी। हमारे दोस्त साहब दे दिए थे। अच्छा।
आगे सो है, बोले रहन दो, बोल के बोले तो ना फिर बोले तो, और आपके पास मेल का अलग कलेक्शन है, फीमेल का अलग है ना? हाँ मोर भाई, ये सारे मेल है इसके अंदर, इधर भी मेल है। और भाई के पास जो मेटिंग वगैरह होती है ये भी डेट वाइज है, ये सब ब्रीडिंग का सेटअप भी बतलाऊंगा मैं। और ये वाले बनीस है? नहीं नहीं, मेल है, मैच्योर है मुझे भाई। अच्छा, 6 महीने के ऊपर के है। कौन सी ब्रीड है ये? अपने वही अपने अफ्रीकन ब्लैक है, सेम अपने पास के छह पूरे। अपन कहीं बाहर, अच्छा मैक्सिमम आपके पास, आप ही के पास की ब्रीड जो यहाँ पर हुई हुई है वही सेल करें आप? अच्छा, तो कितने दिन के है ये? ये 6 महीने के ऊपर के उम्र भाई, 6 महीने के ऊपर के है। और ब्रीडिंग के लिए स्टार्ट हो गए? ब्रीडिंग के लिए स्टार्ट हो गए जी। एक दे देंगे इनको 700-800 में, एक दे देंगे आप, यानी अडल्ट है बिल्कुल, पूरे अडल्ट है जी। वो क्या बोलते हैं, एक साल के ऊपर के बोल के रेट वो रखे, ये वाले एक साल के ऊपर है। और ये क्या प्राइस है? ये आपको अगर कोई फार्म पर्पस के लिए लेना चाह रहे हो उमर भाई जी, तो उनको जो है 13,000 रुपये में, अपन 1300 रुपये में, 13,000 रुपये में 10 का पेड़ मिला के। अच्छा, 10 का पेड़ जी, तो यानी अगर 10 लेंगे तो उसमें होलसेल का रेट लग जाएगा 1300 से, एक रहेगा। अगर कोई नेगोशिएबल चाह रहे तो वो लोग को और थोड़ा बहुत कम करके दे देंगे जी जी। अगर नहीं सिंगल लेना चाह रहे तो अपने 1400 में देंगे, उसमें भी थोड़ा नेगोशिएबल कर देंगे फिर उसमें भी। चलिए, तो इसमें जो फीमेल्स है आपके पास वो भी एक नज़र देख लेंगे अपन। यहाँ से फीमेल का सेक्शन स्टार्ट है आपके पास, और सबसे पहले ये जो ब्लैक है, जेट ब्लैक कलर का, ये कौन सा है? ये अपने को अफ्रीकन ब्लैक है उमर भाई, अफ्रीकन ब्लैक। हाँ, बच्चे दिए हुए हैं पूरे, अगर अच्छा। कोई फार्म के ऐसे ले गया तो इमीडिएटली जाके मीटिंग करा ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 महीने के बच्चे दे रहे आपको प्रॉब्लम और 2 महीने रोका, ऐसा नहीं है जी। आप लेके जाओ क्रॉस हो, क्योंकि पूरे बच्चे दिए हुए हैं। अच्छा, ऑलरेडी आपके पास दिए हुए हैं? अपने को 4-5 बार, 2-3 बार बच्चे दिए हुए हैं जी। देखिए ये जो पॉट्स है ये दाने के लिए है, ब्रीडिंग बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं सामने, मैं वो भी खरीफ से बतलाऊंगा। और सबसे खास बात मदीन भाई, इसके अंदर जैसे ये हाइट पे लगाने से यूरिन का भी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, यानी नीटनेस भी रहता है, नीचे जाली की वजह से पूरी देखिए आप गंदगी, यूरिन ज्यादा करता ना खरगोश? हाँ करता हूँ भाई जी। ये भी एक एडल्ट फीमेल है, पूरे एडल्ट है भाई, पूरे एडल्ट है जी। और ये कौन सी ब्रीड है? ये आपको कभी कभी क्या, ये बहुत बड़े साइज में है देखिए आप, और 2.5 किलो के ऊपर है, 2.5 किलो के ऊपर है जी उमर भाई। ये हमारे पास आए खुद बच्चे थे जी, अब ये 2.5 किलो की, ब्राउन न्यूजीलैंड है। हाँ ब्राउन है, सारे कलर्स में है भाई के पास अवेलेबल, मल्टी कलर से आप देखिए साइजेस वगैरह, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलेक्शन है। और बहुत एडल्ट का जो साइज होता है बड़ा, बिल्कुल आप आके लाइफ चेक करके ले सकते है। मोर भाई अगर कोई पॉट ये भी लेना चाह रहे तो वो लोग को भी अपन पॉट्स भी अवेलेबल करा देंगे, 90 रुपीस में दे देंगे। अच्छा, 80-90 में एक मिल जाएंगे पूरा, खाली जाली छोड़ के इंशाल्लाह सब चीज का दे देंगे। अच्छा, मैक्सिमम आपके पास कितने मिलेंगे पर ऑर्डर? पर ऑर्डर अब तो अपने 50 रेडी है मोर भाई, 50 रेडी है जी, यानी जो आपकी होम ब्रीड है पूरे, अगर 50 पेड़ तो रेडी है, अगर लेना चाह रहे तो कोई आके 10-10 का भी पेड़ लेके जा सकते। ओके, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो मेटिंग हो गई ऑलरेडी, देखिए डेट के साथ है, डेट वाइज इंशाल्लाह बच्चे भी दे देंगे उमर भाई इंशाल्लाह। ये मीटिंग हो गई से पूरे, ये बॉक्स का क्या प्राइस रख रहे हैं आप? 250 में एक दे देंगे उमर भाई, 250 में एक। हाँ। यानी पूरा लेंथ के साथ में है ये, और बूटी अगर आप जाके लेंगे तो वो भी 110 ऐसा मेरी बूटी हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होता बतलाए ना आप, जैसे गिर जाते बच्चे उसके अंदर जी, और मीटिंग से हो जा। देखिए बिल्कुल एडल्ट साइज के अंदर है और मीटिंग हो चुकी है लोगों की, ये बॉक्सेस है कंप्लीट विद लेंथ के साथ। मतिन भाई, और एक चीज जैसे बच्चे आप बता रहे थे जो मोर्टेलिटी होती बाहर से लेने से, वो कितने दिन के बच्चे रहते हैं? वो 1 मंथ के बच्चे, 1 मंथ के रहते हैं। और बच्चे लेना कौन से टाइम पे चाहिए, कितने महीने के बाद? कम से कम 1-2 महीने का बच्चा तो भी लेना, 2 महीने का, और माँ के साथ रहना जरूरी है, तो बच्चा लेना जी। और आपको जितने भी बाहर मिलते हैं वो खाली क्या शोपीस रहते हो, आप फिर घर में मर जाते हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन्वायरमेंट भी अच्छा है लोग के लिए पूरा, वो लोग क्या बाजार का इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है पूरा जी जी। वैसे तो फार्म की बात कोई भी जानवर की नहीं आती, मार्केट में आने के बाद या वायरस होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते ही बराबर, आप लोग थोड़ा सा दूर होता। अच्छा, डिलीवरी कहाँ कहाँ तक देंगे आप, जैसे हैदराबाद के अंदर अगर चाहिए किसी को, शमशाबाद है ये, शमशाबाद है, इंशाल्लाह अपन उनके घर तक पहुंचा देंगे, होम डिलीवरी भी मिले, उसके चार्जेस अगर कोई 10 का पेड़ ले रहे तो उसका चार्जेस नहीं लेंगे अपन। अच्छा, अगर कोई 10 का पेड़ ले रहे तो उसके चार्जेस भी नहीं लेंगे, अगर कोई 1-2 पेड़ ले रहे हैं तो
100 रुपए एक्स्ट्रा ले लेंगे और कुछ। चलिए प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, 100-200 रुपए कोई मायने नहीं है होम डिलीवरी के लिए, लोग ऐसे तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। 1300 में ईच वन मिल जाएगा, यानी 13,000 में 10 का एक सेट बना के दे देंगे, और ये सिर्फ फार्म वालों के लिए ऑफर है, ताकि वो लोग ब्रीडिंग वगैरह पर्पज के लिए भी इस्तेमाल में कर, घर पे भी कोई रख के करना चाह रहे शौकीन आदमी तो वो लोग भी कर सकते हैं। 10 पेयर तो शायद कर भी सकते घर पे, ये भी अच्छी बात है, आराम से कर सकते हैं। अभी आपके पास 50 पेयर अवेलेबल है और ब्रीडिंग ये जो ऑलरेडी मेटिंग हो चुकी है लोगों की, तो ये भी सेल के लिए अवेलेबल है आपके पास, सेम प्राइस रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। यानी मीटिंग श्योरली हो चुकी है लोगों की, और डेट वाइज आप देखिए यहाँ पर मेंशन करा हुआ है सब पर, तो लाइव आइए आके एक बार चेक करके देखिए। यहाँ पर जेके रैबिट्स फार्म है ये, एक बार आप एग्जैक्टली लोकेशन बतलाइए यहाँ का। ये शमशाबाद में मलकारम बोल के मंडल है और भाई, ओके, मलकारम मंडल में है ये, शमशाबाद के एक 13 किलोमीटर अंदर रहता है। आने से पहले आपको कॉल करें तो आप लोकेशन भिजा देंगे यहाँ का। चलिए इंशाल्लाह इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोस बताऊंगा। सबसे खास और एक चीज़ देखिए, पानी का सिस्टम भी करा हुआ है यहाँ पर, बहुत प्यारा सेटअप है, नीटनेस भी है, फीडिंग बॉक्सेस अलग है यहाँ पर। अपनी उम्र में जो चौक में जैसे अपने बच्चे ही दे रहे हैं वो लोग 1000-1200 रुपए में जी। अब यहाँ पे क्या अपने पास एकदम रीजनेबल प्राइस है, होलसेल प्राइस के अंदर जी, और सभी हेल्थी है। फार्म से लेने से आप लोगों को और कुछ नॉलेज भी मिल जाएगी, यहाँ से भाई से बात भी कर सकते हैं आप लोग। इसी तरह और बहुत सारे वीडियोस बताता रहूँगा मैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।